एंकल स्प्रेन, एंकल ट्विस्ट, पैर में आई है मोच और दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, पैर की सूजन नहीं जा रही है, 3-4 दिन या 10-15 दिन से ज्यादा भी हो गए हैं और आपने बहुत कोशिश कर ली, सूजन कम नहीं हो रही है, तो हमको क्या करना चाहिए, उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। चाहे आप इस वीडियो को आप रिश्तेदारी के पर्पज से देख रहे हैं, किसी रिश्तेदार में, रिलेशन में किसी को प्रॉब्लम हुई है, फ्रेंड सर्कल में या आपको, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, ये वीडियो आपके लिए है। उससे पहले कि 1 सेकंड, मैं डॉक्टर नयन सिंह, मैनुअल कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम फ्रॉम बरेली, बाबा फिजियोथेरेपी क्लिनिक। अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में सही से बताना, तब मैं आपकी प्रॉब्लम को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे भी बात कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिएगा, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। एंकल में आया है स्प्रेन, उस दौरान हमको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि आपको जब भी स्प्रेन आता है तो उस दौरान लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि गर्म सिकाई करने का, जो पता नहीं क्या चला आया है कि लोग बहुत जल्दी गर्म सिकाई करने लगते हैं। लेकिन गर्म और ठंडी सिकाई करने का एक तरीका होता है, उसको समझना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ कब करनी चाहिए गर्म और कब करनी चाहिए ठंडी। जब एंकल ट्विस्ट होता है तो उस दौरान हमको गर्म सिकाई नहीं करनी होती है, उस दौरान हमको ठंडी सिकाई यानी बर्फ की या आइस पैक आते हैं उनको अपने एंकल पर बहुत ही स्लोली स्लोली वहां पर जो है एक हिसाब से चलाना है और वहां पर सिकाई करनी है। सेकंड बात, हमको उस पैर के लिए ऊपर उठा के रखना चाहिए, यानी कि पैर के नीचे 2 या 3 पिलो लगाकर जरूर रखें और आप ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें। इसके अलावा आप गरम बैंडेज को बांध कर रखें, गरम बैंडेज यानी कि गरम सिकाई वाली पट्टी होती है आप उसको बांध कर रखें, उससे क्या होता है कि उससे सूजन जाने के चांस रहते हैं। और आप चले नहीं ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें और आप अपने पेन किलर ले सकते हो, अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से आप डॉक्टर से जाके आप अपने पूछ सकते हो और डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि बगैर डॉक्टर की जानकारी के आप कुछ भी करते हो तो ठीक नहीं, क्योंकि इसका कारण यह है अगर पैर में कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंकल में 3 लेवल का जो है यहाँ पर रप्चर होता है, लिगामेंट्स का या फिर मसल्स का, और हो सकता है कभी कभी यहाँ फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो इसको जो है डिवाइडेड करते हैं 3 भागों में, पहला तो है यानी नॉर्मल तो होता ही है पैर, उसके बाद अगर मोच आती है, स्प्रेन होता है, तो उसमें ग्रेड फर्स्ट, जिसमें कि आपका थोड़ा सा आपका जो है लिगामेंट या जो थोड़ा सा मोच आता है, बहुत थोड़ा सा क्रैक होता है। दूसरा, ग्रेड सेकंड में आधा रप्चर होता है, ग्रेड थर्ड में पूरा रप्चर हो जाता है। इन तीनों में डिवाइड करके जो इसको समय लगता है, लेकिन कॉमनली मोच जो है 7 से 8 डेज में ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी ठीक नहीं होती है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं या आप अपने चिकित्सक से मिलकर जो राय लें कि क्या हो सकता है। एक्सरे तो जरूर कराना चाहिए, कुछ लोग एक्सरे भी नहीं कराते हैं, पैर में मोच आ जाती है, अगर पैर सूज जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, तो लोग हल्के में लेके उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं मोच आ गई है। जी नहीं, कभी कभी दिक्कत भारी भी पड़ सकती है। मैंने अपने कुछ एक्सपीरियंस में पेशेंट देखे हैं, वो लोग एक्सरे नहीं कराते हैं, कई लोगों ने उनको राय दी होती है कि वो सिकाई कर लो वो सिकाई, तो वो नहीं कराते हैं एक्सरे, वो बिलीव उस पर ज्यादा करते हैं कि सिकाई करने से ठीक हो जाएगा, और वो भी गर्म सिकाई, तो उनका दर्द बाद में नहीं आता है। फिर कारण क्या होता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमको जो है पहले पता होता तो हम जरूर मिलते। तो यही होता है कि हमको पहले सही प्लेटफॉर्म पता नहीं होता है, इसलिए मैं ऑनलाइन आपको इस YouTube के माध्यम या Facebook के माध्यम से, जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि गर्म सिकाई तो दौरान नहीं करनी है जिस दौरान आपके जो है चोट लगी है, यानी कि जिस दौरान आपके आपके मोच आई है एंकल में या एंकल मुड़ा है, सूजन आती है तो वहां कारण यही होता है कि वहां ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और वहां मसल्स जो है बर्न होने लगती है, यानी कि उनमें हीट अप होने लगता है, जिसके कारण वो और जो स्वेल हो जाती हैं। तो उस दौरान हमको गर्म सिकाई नहीं करनी है, बस ठंडी सिकाई करें और रेस्ट करें और अपना डाइटिंग पे ख्याल रखें, जो भी आप खाते हैं, और उस पर एक्सरसाइज भूल के स्टार्टिंग दिन में नहीं करनी है बहुत हैवी, क्योंकि आप अगर शुरू में अगर एक्सरसाइज करते हो तो उसके अंदर अगर कोई और भी प्रॉब्लम होती है तो आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे मैंने बहुत सारे स्प्रेन के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, उनमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कब एक्सरसाइज करनी चाहिए, सब एक्सरसाइज और पूरा ट्रीटमेंट दिखाया है। उनको देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। मैं नयन सिंह फिजियोथेरेपिस्ट, आपको बता दूं कि एंकल जब भी आपका प्रॉब्लम करता है तो आप ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें। इसके अलावा आप
वहां पर बैंडेज तो बांधेंगे ही, लेकिन वहां टेपिंग होती है, काइनेसियोलॉजी टेपिंग, वहां टेपिंग करा सकते हैं डॉक्टर से, जो कि ऑर्थो के डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको कर सकते हैं। और दूसरी बात, पैर में डॉक्टर प्लास्टर भी चढ़ा सकते हैं अगर सूजन ज्यादा है तो, क्योंकि सूजन भी जो उससे चली आती है और कुछ छोटा मोटा बाल आया होता है तो उससे ठीक हो जाता है, और बल्कि फ्रैक्चर भी। लेकिन ये आपको गाइड डॉक्टर ही करते हैं कि कब हमको क्या कराना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस दौरान हमको जरूरत होती है एक डॉक्टर की, जो कि हमको डॉक्टर की सलाह से सारा कुछ करना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता दूं, मैंने कई सारे वीडियो मेरे डाल रखे हैं स्ट्रेन के ऊपर, मोच के ऊपर, उनमें लोग बहुत इताश होते हैं, सर मेरी मोच नहीं जा रही, ये मतलब सूजन भी नहीं जा रही, या मेरा बहुत दर्द है तो मैं क्या करूं। तो उनको ये वीडियो मैसेज देता हूं मैं कि अगर बहुत समय हो गया, महीना डेढ़ महीना, तो आप अपने डॉक्टर से भी मिलें, क्योंकि उसमें और भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसकी जो अभी सूजन नहीं आई गई है। कॉमनली सूजन 7 से 8 डेज में चली आती है, और इस दौरान नहीं आती तो आपको जरूर डॉक्टर की पड़ती है, तो आप जरूर जाएं डॉक्टर के पास अगर आपने अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया है तो। और बता दूं मैं आपको, आप किसी के कहने से किसी हकीम जी या किसी के भी पास जाते हो तो भाई निर्णय आपके हाथ में होता है, कोई भी व्यक्ति आपको सलाह देता है तो आप उस सलाह को फॉलो करें, लेकिन आप अपना भी थोड़ा सा सेंस लगाएं, दिमाग लगाएं, क्या ये कोई व्यक्ति सही जानकारी दे रहा है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि गर्म सिकाई कर लो, तो लोग बर्फ की सिकाई ना करके गर्म सिकाई तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, और बर्फ की सिकाई को लोग गलत भी समझते हैं। इसीलिए मेरा मैसेज ये है कि लोग गर्म सिकाई को ज्यादा जगह देते हैं कि हाँ गर्म सिकाई आराम करती है, लेकिन उस दौरान ठंडी सिकाई बहुत काम करती है। और अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर में हमको क्या करना चाहिए, उस पर मैंने ऐसे ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप उनको आई बटन पे आके देख सकते हो। मैं वीडियो ज्यादा बड़ा करना नहीं चाहता, मैं 8 मिनट में इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ, देखिएगा। और हमको ज्यादा लोग ये भी सोचते हैं कि मतलब हम खाएं पिए क्या, क्या नहीं खाएं, क्या पिए, या फिर हम कितना रेस्ट करें, और कब हम चलें या नहीं चलें पैर, तो ये भी बता देता हूँ मैं। अगर एंकल में स्प्रेन आया हुआ होता है तो उस दौरान बहुत ज्यादा चलने को नहीं कहा जाता है, क्योंकि उस दौरान सूजन बड़ी होती है स्टार्टिंग दिनों में, और जब भी स्प्रेन होता है तो तुरंत ही थोड़ी देर में ही वैसे स्वेलिंग आ जाती है एंकल में, और एंकल जो है अपना इन्वर्जन मूवमेंट में अंदर की ओर ट्विस्ट हो जाता है, जिसके कारण वहां पर जो है लिगामेंट्स मांसपेशियां रप्चर हो जाती हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, और पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन भी, हैवी पेन, सीवियर पेन होता है, जिसके दौरान व्यक्ति असहनीय दर्द को सहता है। लेकिन आप इनको कोई मिस्टेक को ना करें, मैंने जो बताई वीडियो में उस तरह से मेरी बातों का पालन करें, आप अपने डॉक्टर से मिलें कि कोई प्रॉब्लम बड़ी ना हो, और आप ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें उस दौरान, और अपने डाइटिंग पे ख्याल रखें, प्रोटीन और कैल्शियम से भरी चीजें खाते रहें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो, डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं नैनसिंह फिजियोथेरेपिस्ट, मिलता हूँ ऐसे किसी अन्य टॉपिक अन्य वीडियो के साथ में, जो पर आई बटन पे वीडियो आ रही है और एंड स्क्रीन कार्ड पे वीडियो आ रही है, इन सबको देख लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना रखिए ख्याल।